Hey, Matram, dear students, today we will see the second part of second chapter of English grammar subject of gender 3rd, and the second part is about the continuity of the first part video. Okay, तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, अपने चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट अपने देखा था ना, उस पार्ट को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो बच्चों अपने लास्ट में क्या देखा था, सिंगुलर प्लूरल देखा था ना, कुछ नियम देखे थे उसके कि कौन से ग्रुप है उसके, कौन से उसके रूल्स है, कैसे प्लूरल बनाने के सिंगुलर में से, वो सब देखे थे ना. तो अभी वो ही अपने करेंगे इस वीडियो में, उसकी कुछ एक्सरसाइज पहले देखेंगे. ओके, तो पहली एक्सरसाइज क्या है, टेस्ट योरसेल्फ, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ. तो नीचे दिए हुए वर्ड्स के आपको क्या लिखने हैं, प्लूरल लिखने हैं, यानी बहुवचन. तो पहला क्या है, टॉय, तो टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयस. फिर सिटी, सिटीज. फूट, तो उसका फीट हो जाएगा, ये इरेगुलर हो गया ना. फिर लीफ का, लीव्स. लेडी, लेडीज. टेबल, टेबल्स. नाइफ, knives. ब्रांच, ब्रांचेस. वुमेन, वुमेन. तो ये भी इरेग्युलर है ना. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो बच्चों मैंने पहले है ना यहाँ पे लिखे हैं आंसर, पर आपको ये सब कहाँ लिखना है, आपको ये एक्सरसाइज पूरी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है. ओके, अच्छे से लिखनी है. अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, राइट द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ. तो अब क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए वर्ड्स वो कैसे हैं, प्लूरल है यानी बहुवचन है, और आपको इसमें इसको किस में लिखना है, सिंगुलर यानी एक वचन वचन में लिखना है. तो देखो, फ्लाइज ये क्या हुआ, प्लूरल हुआ, उसका सिंगुलर क्या होगा, फ्लाई. मैन का मैन है ना. फिर माइस का माउस. डॉल्स का डॉल. ऑक्सन का ऑक्स. लैम्प्स का लैम्प. बेबीज का बेबी. थीव्स का थीफ. मैचेस का मैच है ना, वैसे ही आपको लिखने हैं. यहाँ पे इरेग्युलर वर्ड्स के लिए देखो कौन से हैं, इरेग्युलर नाउन्स कौन से हैं, तो ऑक्सन है वो इरेग्युलर है, मैन है वो है, माउस माइस है ना, ये इरेग्युलर, ये नियम बिना के. तो इसको आपको वैसे ही अच्छे से एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके, अब थर्ड तो थर्ड कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. तो आपको नीचे दिए हुए वर्ड्स में फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसके प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन के रूप में लिखने हैं. ओके, तो पहला ब्रश योर डैश एवरी डे, तो ये क्या है, टूथ, तो उसका क्या हो जाएगा प्लूरल, टीथ. तो ब्रश योर टीथ डेली है ना. अब दूसरा, आई हैव अ बुक ऑफ डैश, तो यहाँ पे क्या है, स्टोरी, तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज. थर्ड वन, माई डैश आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑक्स, तो ऑक्सन का, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन. दीज डैश आर वेरी स्वीट. मैंगो, मैंगो का प्लूरल मैंगोस. फिर फिफ्थ वन, टू डैश लिव इन दिस हाउस. फैमिली, तो फैमिली का प्लूरल फैमिलीज. फिर सिक्स्थ वन, कैट एंड डैश आर नॉट फ्रेंड्स. द माउस, माउस का प्लूरल माइस. फिर सेवेंथ वन, द डैश ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन, तो क्या है, लीफ, तो लीफ का प्लूरल लीव्स. द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन. ओके, अब फोर्थ वन, फोर्थ क्या है, राइट सिक्स प्लूरल वर्ड्स फॉर ईच ग्रुप. तो आपको क्या लिखना है, ये जो वर्ड्स एंडिंग इन, ये पूरा बॉक्स है ना, इसमें कितने ग्रुप्स है, चार ग्रुप, एस ई एस वी ई एस आई ई एस.
तो इन सब के कितने कितने लिखने हैं, सिक्स सिक्स वर्ड्स लिखने हैं प्लूरल फॉर्म में, यानी बहुवचन के रूप में आपको छह छह वर्ड्स लिखने हैं। तो जो एस से खत्म होते हो वैसे वर्ड्स कौन से हैं, तो कीस, डेज, कैप्स, बॉयज, गर्ल्स, टॉयज, है ना। फिर ई एस, उससे खत्म होते हो वैसे वर्ड कौन से हैं, बॉक्सेस, क्लासेस, टैक्सेस, बेंचेस, बुशेस, ब्रांचेस। फिर वी ई एस से कौन से वर्ड्स खत्म होते हैं, तो काउस, लीव्स, वुल्व्स, वाइव्स, शेल्स, थीव्स। फिर आई ई एस से कौन से वर्ड्स खत्म होते हैं, बेबीज, बॉडीज, सिटीज, फैमिलीज, फ्लाइज, लेडीज, है ना। तो ऐसे आपको ये पूरा लिखना है। ओके, इसको तो टेक्स्ट बुक में लिखोगे तो ही चलेगा। अब नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है, चेंज द सिंगुलर्स इनटू द प्लूरल्स, यानी नीचे जो भी वर्ड्स है उसमें सिंगुलर हो, एक वचन हो, उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ओके, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। तो पहला क्या है, देखो दे रखा है अपने को, अ डॉग इज एन एनिमल। तो क्या कह रहे हैं कि अ डॉग इज एन एनिमल, ये सिंगुलर है ना, डॉग एनिमल, तो उसको प्लूरल में कैसे लिखेंगे, डॉग्स आर एनिमल्स, है ना, एस एस आ गया ना और इसका आर हो गया, तो डॉग्स आर एनिमल्स। अब सेकेंड, अ हस्बैंड इज अ मैन, तो इसमें कैसे लिखेंगे, हस्बैंड्स आर मैन, ए का क्या करेंगे यहाँ पे, ई कर देंगे, ए का, है ना, तो उसका ई कर देंगे, हस्बैंड्स आर मैन। फिर थर्ड वन, अ पेंसिल इज लाइक अ पेन, तो कैसे लिखेंगे, पेंसिल्स आर लाइक पेन्स। फिर फोर्थ वन, अ गार्डन हैज अ ट्री, गार्डन्स हैव ट्रीज। अ डॉल इज अ टॉय, डॉल्स आर टॉयज। फिर अ वॉच इज अ स्मॉल क्लॉक, वॉचेस आर स्मॉल क्लॉक्स। फिर अ सिटी इज अ बिग टाउन, द सिटीज आर बिग टाउन्स, है ना, वैसे लिखना है प्लूरल फॉर्म में करके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, तो यानी मैस्कुलिन यानी जो भी पुरुष की जाति है वो, और फेमिनाइन यानी जो भी स्त्री की जाति है। ओके, तो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, कॉक इज अ मेल बर्ड, तो मेल यानी मैस्कुलिन, हैन इज अ फीमेल बर्ड, तो फीमेल यानी फेमिनाइन। तो देखो ये क्या है, कॉक है, और ये क्या है, हैन है, तो ये पुरुष के उसमें आ गया और ये स्त्री के उसमें आ गई। ओके, तो वैसे ही मैस्कुलिन और फेमिनाइन आप सबको करने हैं। ओके, तो ऑक्स इज अ मेल बर्ड, कौन सा है, ऑक्स मेल, काउ इज अ फीमेल एनिमल, है ना। फिर मैन इज अ मेल पर्सन, वुमेन इज अ फीमेल पर्सन। कॉक, ऑक्स एंड मैन आर मेल्स, तो कॉक, ऑक्स और मैन वो सारे कौन से हैं, मेल्स है, मेल्स यानी क्या होते हैं, पुरुष की जाति, वी कॉल देम मैस्कुलिन, हम उसे कैसे बुलाते हैं, मैस्कुलिन। हैन, काउ एंड वुमेन आर फीमेल्स, तो ये सारे कौन से हैं, फीमेल्स, स्त्री की जाति में, तो उसे हम कैसे बुलाते हैं, वी कॉल देम फेमिनाइन। ओके, तो लर्न द फॉलोइंग टेबल फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन नाउन्स, तो आपको नीचे टेबल में से क्या देखना है, इसमें से आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन के नाउन्स है। ओके, तो पहला सर, मैडम, तो सर का फेमिनाइन क्या होगा, मैडम। फॉक्स का वीवेन, सन डॉटर, बॉय गर्ल, डॉग बीच, तो ये साइड जो सारे हैं वो मैस्कुलिन है यानी मेल में है, जो पुरुष जाति कहते हैं वो है, और इस साइड फेमिनाइन यानी फीमेल की जेंडर के, यानी जो अपने नारी जाति स्त्री जाति कहते हैं वो है। ओके, तो
God, goddess. Lion, lioness. Man, woman. Cock, hen. Ox, bull, cow. फिर hero, heroine. King, queen. Tiger, tigress. Uncle, aunt. Horse, mare. Father, mother. Brother, sister. Husband, wife. Nephew, niece. Gentleman, lady. तो आप बच्चों अपने कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं इसके. ओके, टेस्ट योरसेल्फ. तो अब आपको क्या करना है, पहले में राइट एम फॉर मैस्कुलिन वर्ड्स एंड एफ फॉर फेमिनाइन वर्ड्स. तो आपको क्या करना है कि नीचे ये जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो भी मैस्कुलिन हो तो उसके सामने एम लिखना है, और फेमिनाइन हो तो उसके सामने एफ लिखना है. ओके, डन. ओके, तो सर क्या होता है मैस्कुलिन, तो एम वो तो लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में. तो अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट फॉक्स तो मैस्कुलिन, हैन फेमिनाइन, बुल मैस्कुलिन, काउ फेमिनाइन, आंट फेमिनाइन यानी एफ. तो यहाँ पे सारे एम एफ एम एफ एफ. फिर टाइगर तो मैस्कुलिन का एम. फिर सिस्टर तो फेमिनाइन का एफ. नीस फेमिनाइन का एफ. हॉर्स मैस्कुलिन का एम. हस्बैंड मैस्कुलिन का एम. डॉटर फेमिनाइन का एफ. तो एम एफ एफ एम एम एफ. ओके, अब नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट क्या है, गिव द फेमिनाइन ऑफ. तो नीचे जो वर्ड्स दिए है वो कैसे है, मैस्कुलिन है, और आपको क्या लिखना है, फेमिनाइन लिखने है उसके. ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको कहाँ करनी है, आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है अच्छे से. ओके, तो सर का क्या होगा फेमिनाइन, मैडम. सन का डॉटर. फॉक्स का विक्सन. बॉय का गर्ल. फिर किंग का क्वीन. कॉक का हैन. अंकल आंट. फादर का मदर. हस्बैंड का वाइफ. ओके, अब थर्ड वन, गिव द मैस्कुलिन ऑफ, यानी अब अपने को क्या दिए हैं, ये सारे फेमिनाइन है उसके अपने को मैस्कुलिन लिखने हैं. ओके, काउ तो काउ का मैस्कुलिन क्या होगा, ऑक्स या बुल. लेडी का जेंटलमैन. मेर हॉर्स. बीच डॉग. नीस निफ्यू. सिस्टर ब्रदर. मामा पापा. वुमेन मैन. प्रिंसेस प्रिंस. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो ये क्या है, रीराइट चेंजिंग मैस्कुलिन वर्ड्स इनटू फेमिनाइन. तो अब अपने को क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको अपने रीराइट करना है, वापस लिखना है. यहाँ पे जो भी क्या है, देखो मैस्कुलिन है ना बॉय, तो उसका फेमिनाइन कर देना है. वो कैसे, बॉय का क्या होगा गर्ल, तो कैसे लिखा है यहाँ पे, ही का क्या होगा शी, तो ही इज अ वाइज बॉय का कैसे हो जाएगा, शी इज अ वाइज गर्ल. तो वैसे वापिस रीराइट करना है. ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा है ही हैज टू बॉल्स, बुल्स. तो बुल्स का क्या होगा, काउस हो जाएगा, और ही का शी, तो शी हैज टू काउस. ओके, फिर थर्ड वन. तो थर्ड क्या है, सर ही इज एब्सेंट टुडे. तो सर का क्या होगा, मैडम. तो मैडम शी, ही का शी हो गया, तो ही का शी, मैडम शी इज एब्सेंट टुडे. अपने सेकंड में क्या क्या चेंज किया था, ही का शी किया था, और बुल्स का काउस कर दिया था, राइट. फिर द टाइगर किल्ड द फॉक्स, तो क्या क्या चेंज करेंगे, टाइगर और फॉक्स. तो द टाइग्रेस किल्ड द विक्सन है ना. फिर ही रोट अ लेटर टू हिज नेफ्यू, तो नेफ्यू
और ही का चेंज करके शी रोट अ लेटर टू हर नीस। ओके, समझ में आ गए कैसे लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स, यानी जो अपने गिन सकते हैं उसे काउंटेबल्स कहते हैं, जो अपने गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल्स कहते हैं। ओके, वी कैन काउंट सम नाउन्स, वी कैन काउंट गिन सकते हैं थोड़े नाउन को, वी कॉल देम काउंटेबल्स, क्या कहते हैं अपने काउंटेबल्स, वी कैन यूज देम इन सिंगुलर एंड ऑल्सो इन प्लूरल, तो अपने काउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर में भी ले सकते हैं और प्लूरल में भी, दोनों में हो सकते हैं काउंटेबल्स। ओके, पहला आई हैव अ बुक, आई हैव टू बुक्स, तो देखो सिंगुलर भी हुआ और प्लूरल भी हुआ ना। सेकेंड दिस इज एन एग, दिस आर एग्स, तो ये भी हो गया तो काउंटेबल। काउंटेबल अपने सिंगुलर में भी हो सकता है, एक वचन में भी और प्लूरल में भी, यानी बहुवचन में भी हो सकता है, और जो अपने गिन सके उसे काउंटेबल्स कहते हैं, है ना। बट वी कांट काउंट सम नाउन्स, वी कॉल देम अनकाउंटेबल्स, पर थोड़े नाउन्स हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अनकाउंटेबल्स। We can use them in singular only. अपने uncountables को सिर्फ singular में ही use कर सकते हैं, plural में नहीं। We can't use a or an with them. अपने uncountables के आगे a या n नहीं लगा सकते हैं। तो थोड़े uncountables कौन से हैं? Some uncountables are air, oil, coffee, sugar, cotton, tea, milk, water, paper, smoke, ink, food, bread, gold, money. तो ये सारे कैसे हुए? ये सारे uncountables है, इन्हें अपने गिन नहीं सकते। Air कितनी है, हवा कितनी है, गिन सकते हैं? नहीं। फिर oil कितना है, गिन सकते हैं? एक है, दो है, क्या वो एक एक अलग करके गिन सकते हैं? नहीं। कॉफी भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो अपने गिनने बैठे तो कब खत्म होंगे, वो गिन सकते हैं? नहीं। वैसे ही ये सारे जो है उसे अपने गिन नहीं सकते हैं, और इसको सिर्फ सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं, और इसके आगे ए या एन नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो। पुट अ टिक और अ क्रॉस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स यूज्ड, तो जैसे भी ये आर्टिकल्स यूज किए हैं, सही है तो टिक करो और गलत है तो क्रॉस कर दो। तो क्या है, पहला अ शॉप, तो ये सही है, हाँ है तो टिक। फिर दूसरा अ फूड, तो अ फूड बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फूड अनकाउंटेबल है, इसलिए ए भी नहीं आएगा, तो क्रॉस। फिर अ ब्रेड, तो ब्रेड भी क्या है, अनकाउंटेबल, यानी ए नहीं आएगा, तो क्रॉस। फिर अ बटर, बटर गिन सकते हैं? नहीं। तो क्या करेंगे, क्रॉस। कॉटन नहीं, क्रॉस। शुगर नहीं। पेंसिल, पेंसिल गिन सकते हैं ना अपने, और प्लूरल में भी हो सकता है, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर विथ यू, तो गिन सकते हैं ना पेंसिल को, इसलिए टिक। स्मोक, स्मोक को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ए नहीं आएगा, इसलिए क्रॉस। मनी, क्रॉस, मनी के आगे भी नहीं आएगा। फिर अ वुमेन, तो वुमेन कितनी है, हाउ मेनी वुमेन्स, तो इसलिए टिक कर देंगे। ओके, तो जो जो काउंटेबल्स है उसके आगे अपने टिक किए, और अनकाउंटेबल है उसके सामने अपने क्रॉस कर दिए। ओके, तो बच्चों अब आप सबको समझ में आ गया क्या करना है, तो अब आप सबको लर्न करना है, फिर
रिसाइट करना है और जो भी एक्सरसाइज है अपने इस टेक्स्ट बुक में नहीं लिख सके उसको अपने कहाँ लिखना है, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, जो ये ऐसी एक्सरसाइजेस है यहाँ पे कर सके वो यहाँ पे करो, बाकी जो रीराइट करने हैं या जो इसमें जगह नहीं है वो एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है। ओके, वंदे मातरम।